आलू चाट बनाने के लिए बॉइल्ड आलू लिया, फिर सूजी लिया, फिर उसके बाद हमने इस दोनों को मिला लिए। फिर हाथ पे ऑयल लगा के हमने इसके गोल गोल टिक्की बना ली। फिर इसको हमने तवे पर डाल लिया थोड़ा सा तेल डाल के। फिर हमने ऊपर से थोड़ा सा ऑयल फिर से डाला और इसको गोल्डन सेक लिया। उसके बाद में फिर से हमने थोड़ा ज़्यादा ऑयल लिया, फिर हमने एक एक दो दो करके टिक्की को सेक लिया। और ज़्यादा ऑयल इसलिए बाद में दोबारा डालते हैं क्योंकि थोड़ी कच्ची रह जाती है। फिर उसके बाद में हमने प्याज डाल दी, हरी मिर्ची डाल दी कटी हुई, फिर इन जो अब टिकिया थी उनको काट के डाल दिया। उसके बाद मैंने मटर डाल दी, मिर्ची डाल दी, नमक डाल दिया, सूखा धनिया डाल दिया और थोड़ा सा भुना हुआ जीरा डाल दिया इसमें। फिर हमने इसको एक बाउल में ले लिया, उसमें हमने हरी चटनी डाल दी, दही डाल दी, मीठी चटनी डाल दी, प्याज डाल दी, फिर भुना हुआ जीरा डाल दिया, फिर लाल मिर्ची डाल दी, फिर नमक डाल दिया इसमें। उसके बाद हमने इसको थोड़ा सा ऊपर से कटा हुआ धनिया डाल दिया और फिर थोड़ा सा सॉस डाल दिया। हमारी देखो आलू की चाट बन